हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम लर्न वर्ल्ड एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आपको पता है कि टीजीटी और पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहद ही रोमांचक और महत्वपूर्ण न्यूज़ सामने आ रही है। जैसा कि हम आपको दिखलाने वाले हैं कि टीजीटी और पीजीटी में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको एक बड़ी भर्ती जल्द ही देखने को मिलेगी, जिसमें टोटल पद जो बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है जो कि सबॉर्डिनेट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, जिसका कल योगी जी ने 74,000 जो वैकेंसी है उनको जल्द ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सबको अवगत कराया है कि जल्दी ये भर्तियां निकाली जाएंगी। तो आपको दिखला देते हैं कि ये जो टोटल भर्तियां हैं किन किन विभागों में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें जैसे कि आपको दिख रहा हो यूपी गवर्नमेंट जॉब अ बिग अनाउंसमेंट हैज़ बीन मेड बाय यूपी सीएम चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 74,000 वैकेंसीज इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ यूपी। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि 74,000 जो पद हैं यहाँ पर जो कि अनाउंसमेंट करे गए हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा, जिसमें 27,000 जो पद हैं वह टीजीटी और पीजीटी के हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो टीजीटी और पीजीटी में जो टोटल भर्ती होनी थी वह 40,000 पदों पर होनी थी, लेकिन सरकार ने टास्क फोर्स वेरिफिकेशन कराकर जो ये भर्ती थी उन्हें 15,000 तक सीमित कर दिया था। अब इन भर्ती प्रक्रिया को फिर से लागू करा जाएगा और ये जो लागू करा जाएगा इसमें जो अब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 27,000 पदों का, तो उसके लिए जो युवा मंच के अध्यक्ष हैं उनकी मांग है कि जो 27,000 पद हैं इनका निकालने का, जो आपने ये पद निकाले हैं इनको फिलहाल आगे ना निकाल कर, क्योंकि अब इसका सिर्फ नोटिफिकेशन आया और फिर यह कब प्रक्रिया स्टार्ट होगी और जो भर्ती प्रक्रिया इस टाइम कंटिन्यूस चल रही है जिसका पेपर आपको अगस्त में देखने को मिल रहा है उन्हीं में इन 27,000 पदों को जोड़ दिया जाए और टोटल पद यहां पर जो हो जाएंगे 27+15 यानी कि 42,000 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ पर इसका फ़ायदा मिल सके। तो ऐसी ही मांग करी गई है युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के द्वारा। तो आपको ये मांग कैसी लग रही है और क्या इस पर क्या डिसीजन होगा वो भी आपको जल्द ही इस चैनल के माध्यम से देखा जाएगा। ऐसे ही आपको बता दें कि उच्च स्तर माध्यमिक सेवा स्तर पर 27,000 पदों पर भर्ती होनी है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, उसमें भी इन पदों को जोड़ने की मांग करी गई है जो कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह द्वारा जी गई है। और उनकी ये मांग जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है और काफ़ी हद तक विद्यार्थी इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं कि इन भर्ती प्रक्रिया को इसमें जोड़ दिया जाए ताकि जल्दी से जल्दी ऐसे काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो लाखों की संख्या में और इसी भर्ती प्रक्रिया में उन्हें ज्वाइनिंग मिल सके। तो ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण अपडेट को आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। आशा करते हैं आपको न्यूज़ अच्छी लगी हुई। ऐसे अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद।